हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलो आज हम करेंगे अंडर आर्म्स की ब्राइटनिंग वीडियो। ठीक है, बहुत टाइम हो गया था क्योंकि ठंड बहुत ही थी। ठंड में क्या कौन शूट करता हो, क्या शूट करता। कैसे अभी समर्स आ गई हैं थोड़ी सी, तो मैंने कहा चलो समर्स में तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है हमें। और अभी तो शादियाँ भी हो रही हैं ना, तो फिर शादी में हमारी ड्रेसेस इतनी सुंदर सुंदर सेक्सी ड्रेसेस होती हैं, तो उसमें अंडर आर्म्स तो बिल्कुल हमारे ग्लास लाइक चमकाना तो बिल्कुल बनता है। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम अपनी अंडर आर्म्स को क्लीन करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो मैं ये ले रही हूँ, इसको तो ठीक करो पहले। तो ये मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल। ठीक है, तो कोकोनट ऑयल से हम लेंगे और हाँ ये तो जमा हुआ है। मैं सोच रही थी समर था गई है, पिघल गया होगा। नहीं पिघला, ये मेरे पास दूसरा ऑयल है, अब दूसरा ऑयल लेना पड़ेगा। चलो मेरे को थोड़ा सा ही लेना था, यहाँ कौन सा ज़्यादा लेना है भाई राम। पर मैंने सोचा था थोड़ा सा तो आया है, दूसरा ऑयल ले लेती हूँ, इससे होगा नहीं, बात बनेगी नहीं। ये बादाम ऑयल है, ये ले लेती हूँ थोड़ा सा। बादाम ऑयल तो खैर बहुत ही बढ़िया काम करेगा, पर है अगर नहीं है हमारे पास तो कोकोनट ऑयल भी बहुत ही सही है। बादाम ऑयल तो ना डेली, ये वाला ऑयल ना हमदर्द रोगन बादाम शरीन, ये डेली मैं अपने फेस पे लगाती हूँ, बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से इससे अपनी अंडर आर्म्स को पहले हम क्लीन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर हम ये एक नींबू लेंगे और इससे हम अच्छी तरह से अपनी अंडर आर्म्स को क्लीन करेंगे, अच्छी तरह से रब करेंगे इसको। अगर हमने ना वो यहाँ पे वैक्सिंग वगैरह कराई हुई है या फिर हम रेज़र वेज़र मारा है तो वो हम एक दो दिन पहले ही कर लेंगे, एकदम ये नहीं कि हमने अभी रेज़र किया, क्योंकि हमारे बाल वाले यहाँ से बिल्कुल साफ होने चाहिए जब भी हम ये वाली रेमेडी करेंगे उस टाइम पे, है ना। तो क्या कहते हैं, नींबू को अच्छी तरह से 5-10 मिनट रगड़ेंगे, जिससे जितना भी टैनिंग वैनिंग है ना वो नींबू से बहुत अच्छी तरह से निकल जाती है, क्योंकि नींबू के अंदर होता है विटामिन सी। मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ा, थोड़ा थोड़ा सा रगड़ा, मेरे को इचिंग इचिंग सी होने लगती है मुझे। आई वर्गी कहाँ गया टॉवल, मेरे को इचिंग होने लगती है इसलिए मैंने तो थोड़ा सा ही करा है। पर हम क्योंकि नींबू को ना मैं फेस पे बुलाते हैं इचिंग होने लगती है। ठीक है, ये देखो, उसके बाद में हम ये मुल्तानी मिट्टी है ना, ये थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेंगे, मैंने दूसरी कटोरी में निकाली हुई है तो मैं वही वाली कटोरी ले लूँगी। ये मैंने मुल्तानी मिट्टी का ना इतना सा पीस था उसको मैंने पानी में भिगो दिया, पीस जो है ना ज़्यादा ही प्योर रहता है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी ये तो ये मुल्तानी मिट्टी ली मैंने और इसको इसमें वो कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चावल का आटा, 1/2 चम्मच कर लेंगे। मैंने तो ज़्यादा नहीं किया, ज़्यादा करूँगी तो सारा यहाँ पे गंद सा मच जाता है, इसलिए मैं तो थोड़ा सा ही मिक्स कर रहा इसमें चुटकी भर, बहुत ज़्यादा लगाऊँगी भी नहीं, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ठीक है, ये इतना कूलिंग सा आ रहा है, वो नींबू से एकदम वो हो गया था ना, इससे एकदम कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, इस तरह से इसको अप्लाई करेंगे, इसको 5-10 मिनट लगा रहने देंगे। सारी मिट्टी में क्या ऐड किया है मैंने, मैं तो भूल ही गई। हाँ चावल का आटा, मैंने कहती क्या ऐड किया है,
इस तरह से ना इसको 5-10 मिनट लगा रहने देंगे, और फिर हल्का सा गीला करके या रोज़ वाटर स्प्रे करके, और फिर इसकी हल्के हल्के ऐसे ऐसे करके मसाज करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से। दोनों अंडरआर्म्स पे करेंगे और नेचुरली दोनों भी करेंगे। मैं तो अभी एक भी करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। इस तरह से अच्छी तरह से मसाज करने के बाद में फिर कोई भी हम मॉइस्चराइज़र जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये जो ऑयल है ये भी बहुत बढ़िया। कुछ भी रेमेडी करने के बाद में ना ऑयल, या तो नारियल का तेल, या मैं तो अभी फिर दोबारा ही बादाम तेल ही ले रही हूँ, और या फिर मॉइस्चराइज़र कुछ भी ज़रूर अप्लाई करना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना, क्योंकि ना ड्राइनेस आ जाती है उससे, तो इसलिए। हल्के हल्के हाथ से मसाज करेंगे और बीच में ऐसे ऐसे करके टैप 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 करेंगे, वाइब्रेशंस देंगे, इससे क्या होगा ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो यहाँ पे जो है डार्कनेस टैनिंग वगैरह वो होगी ही नहीं हमारी। इसके अलावा और भी कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, तो जैसे अब जब भी बाहर से आते हैं तो बाहर से आके अपना मुंह धोते हैं ना, सेम उसी तरह से अपनी अंडरआर्म्स को भी हम क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे बाहर से जब भी आएंगे, और वो टिश्यू पेपर लेके या अंडरआर्म्स के लिए अलग टॉवल रखेंगे, और इसको ऐसे थप थप करके ऐसे से हल्का हल्का करके हम क्लीन करेंगे इसको। और ना एकदम डायरेक्ट डीओ वगैरह जो है या वो बॉडी स्प्रे वगैरह कुछ भी होता है ना, वो डायरेक्ट अंडरआर्म्स पे नहीं लगाना चाहिए, उससे भी वो हो जाता है। ब्लीच भी जो अगर हम कर रहे हैं तो ब्लीच का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार ब्लीच से भी ना स्किन डार्क हो जाती है यहाँ पे, तो वो सब भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, ठीक है। कुछ ऐसी क्रीम्स भी आती हैं जो हेयर रिमूविंग क्रीम्स होती हैं, अगर उनको भी हम अंडरआर्म्स पे लगाते हैं तो उससे भी डार्कनेस हो जाती है, तो उस बात का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जब टाइम हो तो टमाटर जो है वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट है, बिल्कुल भी इतनी रेमेडीज करने का कुछ भी करने का टाइम नहीं है, चुप चुप चाप टमाटर को आधा काटो और इसको इसको रब कर लो रब कर लो। अगर टाइम है तो फिर इसके ऊपर चीनी भी डाल सकते हैं या फिर चावल का आटा डाल सकते हैं टमाटर के ऊपर, अगर टाइम है तो कट किया और ऐसे ऐसे करके इसको रब करते रहे। अगर टाइम मतलब टाइम है तो जो रेमेडी मैंने बताई है उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप करोगे तो तब तो बहुत बढ़िया फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, नो डाउट, है ना। इस तरह से आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अभी इस 8 मिनट की वीडियो को पूरी करूँगी, अभी 7:30 की हुई है। इसके अलावा जैसे हम नहाते हुए ना तो हमारी बॉडी से स्मेल ना आए, तो नहाने के पानी में ना ये नींबू जैसे है इतना नींबू इसके बीज बीज निकाल लेना, इतना नींबू जो है वो पानी में निचोड़ लो अपना, तो फिर बॉडी से एक भीनी भीनी सी खुशबू आती है। अगर और थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स कर लो, जैसे पूरा नहा लिए, नहाने के बाद जो लास्ट वाला पानी हम अपने ऊपर डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स कर लिए, केवड़ा भी आता है रोज़ का, रोज़ केवड़ा होता है क्या, वो केवड़ पता नहीं क्या होता है, हाँ तो वो जो होता है वो भी हम डाल सकते हैं उसके अंदर। हमारे पड़ोस में ना शादी है, इतनी जोर जोर से बाजे बज रहे हैं, तो नींबू डाल सकते हैं, रोज़ वाटर डाल सकते हैं, बहुत अच्छी भीनी सी खुशबू आती है, तो बहुत ही 8 मिनट हो गए तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है, तो आप उसको ज़रूर ट्राई करना। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। बाय, आई लव यू, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।